तो दोस्त, ये जो गाड़ी दिखाई दे रहा है ये 130 DI फास्ट मॉडल का इंजन है। ये इंजन चलते चलते अचानक बंद हो गई, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो पहले देखेंगे इसको घुमा के ये प्रॉब्लम क्या है। लगता है बहुत अच्छा टिप्स मिलने वाला है आज, पूरा वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं घुमा के देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ एयर क्लीनर नहीं है, यहाँ जो बैंड पाइप रहता है वो भी नहीं है, और यह देखिए थोड़ा स्पॉट है, लगता है पानी की तरह, लेकिन ये पानी कहाँ से आया पहले देखना होगा। चलिए घुमाते हैं और पता करते हैं क्यों ये बंद हो गई। प्रॉब्लम थोड़ा होगा क्योंकि ड्राइवर नहीं है और काका बीमार है, अपन को ही घुमाना होगा। तो चलिए पता करते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। बाबा, देखिए अभी जो समझ में आया, ये कंप्रेसर पकड़ के रखा है, ये छोड़ नहीं रहा है। इंजन जो फ्री होता है वो फ्री एकदम नहीं है। तो सबसे पहले कंप्रेसर को छुड़ाना होगा, उसके बाद घुमा के देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये डिकम्प्रेसर जो लीवर है इसको प्रॉब्लम मिला है, तो इसको सही करते हैं पहले, इसके बाद दूसरे जगह ढूंढेंगे। सबसे पहले ये साइलेंसर को हटा देते हैं क्योंकि ये जगह फाका होगा तो काम करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। अभी ये छोटा जो कवर है इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ही पता चलेगा इसके अंदर कौन सा प्रॉब्लम आया है। ये दोनों स्क्रू को खोलना होगा, उसके बाद ये कवर खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया, यहाँ से देखूँगा तो पता चल जाएगा। हाँ, जितना वाल्व को दबाना ज़रूरी है उतना दबा नहीं रहा है, इसलिए कंप्रेसर पकड़ के रखा है। ये एडजस्टिंग स्क्रू को खोलना होगा, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, तभी वाल्व टैपिंग के ऊपर प्रेशर आएगा। अभी पेचकस की मदद से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बस हो गई बस। तो ये देखिए ये टच हो रहा है, तो अभी इंजन फ्री हो जाएगा। तो चलिए घुमाते हैं, जेहेतु कंप्रेसर छोड़ नहीं रहा था इसलिए मैं घुमा नहीं पाया। अभी देखेंगे क्या बोल रहे हैं। कंप्रेसर का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गई, लेकिन नोजल का जो आवाज़ है वो बिल्कुल नहीं है। ये नोजल DI नोजल है, ये नोजल का आवाज़ बहुत होता है, तो पहले ये गवर्नर लीवर को देखना होगा सही तरह हिलता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अभी ये कवर खोल लेंगे, अभी देखना होगा ये गवर्नर लीवर सही तरह काम कर रहा है कि नहीं। ये गवर्नर लीवर सही तरह काम नहीं करेगा तो तेल ठीक ठाक नहीं देता है। तो इसको मैं अभी देखेंगे ये अंदर में काम कर रहा है कि नहीं। अभी यहाँ देखना होगा, ये देखिए ये है चोक, ये जो उठ गया, ये लीवर इधर हिलाने के बाद ये बटन अंदर पुश करेंगे, उसके बाद जब लॉक हो जाएगा तो मान लीजिए ये सही तरह काम कर रहा है। ये देखिए लीवर को इस साइड में दे दिया, इसके बाद ये चोक को पुश कर दिया, ये देखिए ये लॉक हो गई, ऐसे लॉक हो गई मतलब ये प्लंजर डायरेक्ट हो गई। और मैं गवर्नर लीवर को जब पीछे की तरफ मैं धक्का दूँ तो ये छोड़ देगा, ये देखिए छोड़ दिया। यदि यहाँ तेल हाफ हो गई और इस साइड में जब आएगा तब फुल होगा, ये देखिए फुल। ऐसे सिस्टम VST और Mitsubishi में मिलेगा आपको, ऐसे सिस्टम जो जो इंजन में होता है, प्लंजर थोड़ा वीक होगा तो भी ये चलता रहेगा, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आता है। इस साइड में बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है, तो अभी देखेंगे ये पाइप को खोलेंगे और इसके अंदर हवा है कि नहीं ये देखना होगा। हाँ, तेल गिर रहा है, तो मतलब यहाँ तेल सही तरह दे रहा है, देखिए तेल गिर रहा है। चलिए घुमाते हैं और देखूँगा ये नोजल की आवाज़ आता है कि नहीं। काका दबा के रखो, हाँ भरो। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है, तो एक बार हैंडल मार के ही देखता हूँ। चलिए पकड़ के रखो काका।
একবার কি বলে अभी मैं ये रॉकर बॉक्स को खोलेंगे तो ये देखेंगे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो इससे पहले ये पाइप को खोलना होगा। बॉक्स तो खोलेंगे लेकिन इससे पहले ये नोजल के मुंह में तेल आ रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं पहले। हाँ खुल गया, अच्छा लूज हो गई। अभी थोड़ा घुमा के देखते हैं यहाँ तेल देता है कि नहीं। इतना टाइट क्यों हो रहा है? अरे कंप्रेसर इतना क्यों पकड़ के रखा है? ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ। प्रॉब्लम क्या है? लगता है अच्छा ये जो टैपिड का जो लॉक है वो लॉक शाफ्ट की ऊपर से छूट गया। हाँ ये देखिए तेल मर रहा है, ये तेल दे रहा है। तो मुझे पता चला टैपिट का जो लॉक है शाफ्ट के ऊपर वो शाफ्ट की ऊपर से छूट गया या तो फिर टूट गया। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ये बॉक्स खोलना ही होगा, उसके बाद ही अच्छी तरह पता चलेगा। तो चलिए ये बॉक्स हम लोग ओपन करते हैं। तो ये बॉक्स ओपन करने के लिए ये देखिए ये साइड में लग जाएगा तो इसको दबाना होगा ऐसे, बस बस बाहर चले आए। ये देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम जो है इस साइड का जो लॉक है वो लॉक टूट गया। इस साइड से दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस साइड का लॉक टूटा हुआ है। ये जो टैपिट का जो लॉक है यहाँ वो लॉक टूट गया। तो टैपिट क्या हो रहा है चलने की टाइम में इस साइड में चले आ रहा है। ये देखिए कितना प्ले हो रहा है और टैपिट का एडजस्ट भी क्लियर हो गई ये देखना होगा। तो यहाँ मुझे सही करना होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे सही किया जाएगा। क्लियरेंस कितना है तो पहले देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए अप डाउन हो रहा है। ये देखिए ये अप डाउन हो रहा है ना। ये दोनों को एकदम बराबर रखने के बाद यहाँ देखिए ये TDC मार्किंग है। रुकिए थोड़ा मार्किंग कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है अभी, ठीक है। अभी इस व्हील को घुमा के फिर से यहाँ लेके आना होगा। चलिए घुमा लेते हैं। देखिए कंप्रेसर थोड़ा वीक है, जितना ज़रूरत है उतना नहीं है इसलिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब कंप्रेसर जितना ज़रूरत है उतना नहीं है। अभी देखते हैं कितना क्लियरेंस हो गई। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्लियरेंस है, दोनों क्लियरेंस हो गई। तो ये वाल्व कैप बहुत बैठ गया, इसको लेकर बहुत प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये फिटिंग है। तो चलिए पहले ये टैपिट सेट को खोल लेते हैं उसके बाद सोचेंगे इसको क्या करा जाएगा। यहाँ देखिए ये ओरिजिनल बोल्ट नहीं है। ओह ये तो टूट गया। अरे यहाँ देखिए ये टूटा हुआ है और यहाँ देखिए ये चेंज हुआ है, ये स्टैक फिटिंग हुआ है। यहाँ ये ओरिजिनल नहीं है ये तो इसको खोलेंगे तो अभी और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो बोल्ट है ये तो हेड के अंदर आधा बीच में रह गया, ये आसानी से निकलेगा तो सही वरना ये हेड खुलना होगा। चलिए देखते हैं लूज है कि नहीं, ये पुश रॉड है। तो चलिए पहले ये लॉक प्लस लेकर थोड़ा कोशिश करते हैं ये निकलेगा या नहीं।
ये रॉकर का बोल्ट टूटता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इस इंजन का। ये प्रॉब्लम आता है कैमशाफ्ट की साइड से, और इंजन का गियर जो है उसका मूव थोड़ा पतला हो जाएगा तो टाइमिंग रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आते हैं। बार बार लगातार ये बोल्ट काटते ही रहता है, जब टाइमिंग रॉन्ग हो जाते हैं ना तो ये वाल्व पिस्टन के सर पे टक्कर आ जाते हैं, उसके बाद ये बोल्ट के ऊपर प्रेशर आते हैं और टूट जाते हैं। मित्सुबिशी या तो फिर VST इंजन का उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो लगातार ये प्रॉब्लम आते हैं। देखिए ये बोल्ट निकल चुका है, ये देखिए ये टूटा हुआ था उसी के अंदर, तो बहुत कोशिश करने के बाद ही ये निकले है। ये आसानी से नहीं निकलते, तो ये हेड को खोलना होता है। देखिए यहाँ था ऐसे, ये टूट गया। ये तो आसानी से निकल गया है, लेकिन ये जो वाल्व कैप है ये देखिए ये एकदम बैठ गया, तो इसको खोलना होगा। ये हेड फिटिंग है, स्थिति में मुझे खोलना होगा और फिटिंग भी करना होगा। चलिए देखते हैं। तो ये वाल्व कैप कैसे खोलना होगा देखिए, तो पहले ये वाल्व को दबाना होगा, उसके बाद पिस्टन को टॉप में लेके आना होगा ऐसे घुमा के। जब टॉप में आएगा तो वाल्व के ऊपर टक्कर आएगा, ये देखिए आ गया। तो पिस्टन टॉप में रख कर ये वाल्व को ऐसे दबाएंगे, ये देखिए यहाँ टॉप है, तो यहाँ रखना होगा और एक गोटी लेकर हथौड़ा से ठोक मारेंगे तो ये वाल्व कैप निकलेगा। तो काका इधर आओ, इसको अच्छी तरह पकड़ के रखो, घूमे ना जाए, घूम जाएगा तो ये वाल्व अंदर चला जाएगा और हेड खोलना होगा। अच्छी तरह पकड़ के रखो, घूमे ना जाए, हाँ घूम जाएगा तो हर कशिश बेकार हो जाएगा। सही तरह पकड़ो, ये वाल्व अंदर चला जाएगा तो ये हेड खोलना होगा। सही तरह पकड़ो, विशाल रीक सही घंटा खुलवे, हाँ एक लॉक खुले थे, ठीक है खुले गए काका, घुरे ना जानो घुरले वाल्व किंतु एबार भीतरे चले जाए, ठीक है दाड़ा अच्छा काका छोड़ दो, अभी छोड़ो, अभी गाड़ी को सीधा करो, जाओ उठाओ पीछे दबाओ, इंजन उठ जाएगा, हाँ बस। अच्छा ऐसे पकड़ के रखो, हाँ मैं तो ये वाल्व कैप खोल लिया है, ये देखिए इसका प्रॉब्लम था, ये देखिए कितना बैठ गया, ये लॉक है, ये देखिए कितना बैठ गया, ये देखिए डाउन हो गई, तो इसके अंदर फिटिंग था। तो क्या हुआ, ये साइड में देखिए ये टैपिड लग गया, इसलिए कंप्रेसर मिस कर रहा था, स्टार्ट नहीं हुआ है, और उसी के साथ रॉकर का जो लॉक है वो लॉक भी टूटा हुआ था, और टैपिड जो बोल्ट है वो बोल्ट भी काटा हुआ था। तो ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ में मिला है मुझे, तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करेंगे। तो दूसरी पार्ट का वीडियो देखने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।